ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हुआ तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानो के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने। 3 तलाक का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और आज भी यही हाल है। तो क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहाँ होगा ये लोकसभा में, और आगे चुनाव होगा तो इनका सुपड़ा साफ होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अगर नहीं समझती है ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है, सभी आस्थाओं के लोग सम्मान कर रहे हैं कि प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का इतना छोटा दिल है तो इतना ही कहूँगा, प्रभु कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है ये। कहाँ से इवेंट है, मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है ना, ये तो वहाँ की जो समिति है वो काम कर रही है ना। हम लोग खुश हैं, क्यों नहीं खुश होंगे। मेरा सौभाग्य था इसमें एक वकील के रूप में बहस करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन आम जनता खुश है ना, क्या कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है, यही बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है तो मतलब कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है और दबाव वोट बैंक का है। कांग्रेस पार्टी में भी विरोध है। प्रमोद कृष्णन बोल रहे हैं करोड़ों कांग्रेसियों का दिल टूटा है, गुजरात के एक नेता ने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी जवाब देना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। इसलिए मैं छोटे दलों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, डीएमके और सीपीआई सीपीएम और आरजेडी की और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, मतलब देश की पूरी परंपरा को भूल गई कांग्रेस पार्टी क्या। तो फिर कहूँगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिव्य सिंह कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद का मंदिर को क्या अधिकार है और भाजपा के आरोप है कि आप उस समाज को बांटते हैं। मैं दिग्विजय सिंह को गंभीरता से ले लूं क्या, जिनकी अपनी पार्टी में पूछने है, क्यों मुझसे आप उनके सवाल को पूछ करके उन्हें आरोप है उनका ना। अरे आरोप उनको बकबक करने दें, मैं दिग्विजय सिंह को गंभीरता से नहीं लेता और मुझे जवाब भी नहीं देना है। मध्य प्रदेश के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे। आखिरी सवाल, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इंडिया के जो लीडर हैं सीट शेयरिंग जल्दी करें, देरी हो रही है। तो ये सवाल आप उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, इनमें न कुछ हो